नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी के सियासी महासमर में अब सियासी सुरमाओं का पूरा फोकस पूर्वांचल पर है। एसपी जहां पुरजोर वापसी की तैयारी में है, तो बीजेपी के लिए सीटों को बचाए रखने की चुनौती है। साथ ही ओबीसी वोट को साधने के लिए सभी पार्टियों ने पूरा दमखम झोंक दिया है। सभी समीकरणों के साथ साथ बयानों के खूब तीर छोड़े जा रहे हैं। सीएम योगी बुलडोजर के ब्रांड की बात तो कर रहे हैं, तो एसपी अध्यक्ष अखिलेश इसकी काट आरोप में ढूंढ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 22 में बाइसिकल वर्सेस बुलडोजर की जंग है क्या? पूर्वांचल का विनिंग फैक्टर आखिर किसके साथ है? यूपी की टक्कर क्या साइकिल दौड़ेगी या फिर साइकिल पंक्चर होगी? मोदी मैजिक से क्या बीजेपी की राह पूर्वांचल में आसान हो जाएगी? और योगी के चक्रों में क्या विरोधी उलझ गए हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट दें। पांचवें दौर तक चुनाव गर्म हो चुका है। समाजवादी किले की घेरेबंदी बीजेपी ने ताबड़तोड़ की है। सीएम योगी के चुनावी चक्रव्यूह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरा है। समाजवादियों के मुस्लिम यादव समीकरण की काट के लिए सीएम योगी ने सशक्त राष्ट्रवाद के मुद्दे को खूब भुनाया और अब बुलडोजर। एक यंत्र विकसित किया है, समझ गए होंगे ना, और सड़क भी बनाता है और माफियाओं के ऊपर भी चढ़ता है। हमने कहा बुलडोजर का बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं हम लोग। आप सहमत है ना, चलना चाहिए ना, चलना चाहिए, लेकिन चलाने के लिए दमदार सरकार चाहिए, दमदार। हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान मनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। बुलडोजर, सबका साथ सबका विकास, परिवारवादी, माफिया राज, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक गौरव जैसे शब्द से अखिलेश पर सीएम हमलावर हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने पांचवें चरण से पहले बुलडोजर ब्रांड पर जवाबी हमला किया था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। अखिलेश की जातीय खेमेबंदी को काउंटर करने के लिए बीजेपी अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र को आजमा रही है। तभी पीएम का हमला सीधे बाइसिकल पर नजर आया। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। पूर्वांचल की सियासी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरा फोकस 6वें और 7वें चरण के चुनाव पर है, जिसे फतह करने के लिए रोड शो किए जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं ताकि लखनऊ तक आसानी से पहुंचा जा सके। मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और 1 महीने का कार्यक्रम वहां रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं, 2 महीना 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में।
बीजेपी को नए पार्टनर के तौर पर निषाद पार्टी का साथ मिल गया है तो विरोधी ओबीसी नेताओं की काट के लिए पीएम मोदी खुद तुरूप का पत्ता साबित होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। इसके साथ ही भगवा पार्टी ने पूर्वांचल के जिलों में जातीय समीकरण को साधने के लिए अपने मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के साथ साथ पार्टी पदाधिकारियों को भी तैनात कर दिया है, ताकि यूपी की सियासी महाभारत में विरोधियों के जातीय समीकरण को ध्वस्त किया जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट।